गणगौर निमाड़ संस्कृति का प्रसिद्ध लोक पर्व है, जो बड़ी धूमधाम से निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की गणगौर तीज पर गणगौर माता का घरों में आगमन होते ही माता के गीतों से पूरा निमाड़ गूंज उठा। सुबह से माता की बाड़ी खुलते ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। सभी लोग अपने परिवार के साथ पहुंचकर माता की बाड़ी की पूजा अर्चना कर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की गणगौर पंचमी पर गणगौर माता की घरों से विदाई होती है। गणगौर पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और पार्वती का पर्व है। गणगौर के दिनों में माँ पार्वती के रूप गणगौर माता अपने घर आती है। गणगौर माता का स्वागत ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस तरह से घर में बेटी का स्वागत अपने ससुराल से मायके आने पर किया जाता है। तीन दिनों तक गणगौर माता के गीत गाए जाते हैं। वहीं गणगौर माता के घर आगमन पर कई लोग माता से मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर नगर भोज का आयोजन किया जाता है। इस तरह माता आदि शक्ति की उपासना का गणगौर माता का पर्व बड़ी धूमधाम से निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। वहीं निमाड़ में भी ग्रामीण क्षेत्रों में गणगौर पर्व की बड़ी धूम रहती है। क्या मान्यता है? ये माता पार्वती और ब्रह्माणी और माता लक्ष्मी, ये तीनों मायके जाती है, तो मायके जाने पर निमाड़ क्षेत्र में इनको रणुबाई, गौरबाई, सैदबाई, ये नाम इनको दिए जाते हैं। और ईश्वर राजा, धनियर राजा, भोलेनाथ और विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को इनके नाम ही दिए जाते हैं। ईश्वर राजा, धनियर राजा, चंद्रमा जी, ये कहते हैं इनको। और ये अपने मायके आती है, जिस दिन ग्यारस के रोज माता की मूर्त धराती है उस दिन अपने मायके आती है। और चैत्री नवरात्रि के तीज के रोज माता जी को बाहर निकालते सब लोग अपने अपने घर लाते हैं और विधिवत और पवित्रता से इनकी पूजन की जाती है। और पूजन करके फिर जैसे कोई जल पिलाने ले जाता माता जी को, कोई बाहर निकालता है, फिर झालरे के गीत वीत गाते और धानी का और इनका प्रसाद बढ़ता है जिसको तमोल कहते हैं। अच्छा, बताया जाता है कि माता के सामने मन्नतें मांगी जाती है, पूरी होती है? बिल्कुल पूरी होती है माता जी के सामने। हर किसी की जो मन्नत मांगता है श्रद्धा और आस्था के साथ में मातेश्वरी उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। फिर जब आते वर्ष गणगौर पे आते वर्ष मातेश्वरी को फिर उनकी मनोकामनाओं के अनुसार जो भी जो मान लेता है वो सब चढ़ाते, भरी बाड़ी की पूजा करते चढ़ाते।